हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिल पसंद गुजिया या तो फिर दिल खुश गुजिया। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर बना है, देखने में ही इतना अट्रैक्टिव है लेकिन खाने में कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी बना है। इसकी बाहर की लेयर देखिए, इसकी लुकिंग देखिए, लग रहा है ना एकदम त्योहारों वाला गुजिया। बहुत ही टेस्टी बना है, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बना है ना एकदम क्रिस्पी, और अंदर से आप देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है इसकी, जो बाहरी लेयर है वो, और इसका स्टफिंग एकदम टेस्टी, माउथ वाटरिंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस रेसिपी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसको बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सबके घर में आसानी से मिल जाते हैं, साथ ही बहुत कम समय में बन जाता है, बहुत कम मेहनत से बन जाता है। त्योहारों का समय है, टाइम बहुत कम होता है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी ईजिली बन जाएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कप मैदा लिया है, जिसे इस तरह से छन्नी में ऐड कर देना है और अच्छे से छान लेना है। मोयन के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून देशी घी ऐड कर रही हूँ और 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। अब घी को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मैदे के साथ मिक्स कर लेना है, और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से चेक करना है मुट्ठी में प्रेस करते हुए। देखिए ये इस तरह से बंध रहा है। अगर आपका आटा इस तरह से ना बंधे तो मोयन कम है, आप 1 से 2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। आटा गूंथने के लिए यहाँ पे मैंने जलेबी की बची हुई चाशनी ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे पतला कर लिया है। तो चाशनी बनाने के लिए आप 1/2 कप शुगर ले, उसमें 1/2 कप पानी डालकर शुगर पिघलने तक उसको बॉईल कर ले, और उसके बाद जस्ट 1 से 2 मिनट ही उसको उबालें। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतली ही चाशनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चाशनी ऐड करके इसका आटा गूंथना है। आप चाशनी में इलायची का पाउडर और थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चाशनी बची हुई थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा चाशनी ऐड करके इसका रोटी जैसा डो लगाना है। बिल्कुल हार्ड डो नहीं लगाना है इसका, रोटी से थोड़ा कड़क होगा तो चलेगा लेकिन इसे हार्ड लगाया तो इसे बेल नहीं पाएंगे। तो आटा तैयार है, इसे ढककर थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, तब तक स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो एक बड़े से बाउल में मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा लिया है। इसकी स्टफिंग आप सिर्फ नारियल के बुरादे से भी कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता है, ये थोड़ी सी रेजिन्स हैं, 1 टेबलस्पून मगज के बीज हैं, 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी है, और 2 टेबलस्पून इस तरह से चॉप किया हुआ चेरी है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा, इजी सा, आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से स्टफिंग रेडी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून आयुर्वेदिक गुलकंद लिया है, तो ये ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप रोज़ सिरप यूज़ कर सकते हो या फिर हनी का भी यूज़ कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन इस तरह से ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए और थोड़ी सी मिठास भी आ जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके चाशनी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें चाशनी ऐड नहीं करनी है, जस्ट थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग आ जाए उतना ही इसमें चाशनी ऐड करना है। तो लगभग 2 से 3 टेबलस्पून चाशनी में ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा इस तरह से, देखिए। इससे ज़्यादा चाशनी आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। अगर आपको स्वीटनेस कम लगे तो आप पाउडर शुगर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बची हुई चाशनी का बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। तो स्टफिंग भी रेडी है, अब आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा देखिए हमारा यहाँ पे रेडी है, अच्छे से फिर से 2 से 3 मिनट उसे नीड कर लेना है। और अगर इस टाइम पे हार्ड है आटा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे सॉफ्ट कर लीजिएगा, वरना जो गुजिया है वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो आटा इस तरह सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो अब इसमें से मैं आपको 3 तरीके से गुजिया बना के दिखाऊँगी। तो ये सबसे पहला मेथड है जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, झटपट झटपट गुजिया बन जाएगी। तो मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है और इसे अच्छे से एकदम पतला पतला बेल लेना है।
थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बेलना है और पतला ही रखना है। फिर इस तरह से आप इसको नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर से कट कर लीजिएगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। ये शेप बहुत ही आसान है, बहुत झटपट से बन जाता है। और इसे फिर से थोड़ा सा बेलकर एकदम पतला कर लेना है। इस तरह से थिकनेस आप देख सकते हैं, जो स्टफिंग बनाया था उसमें से थोड़ा सा स्टफिंग इस तरह से लेना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। उसे बेले हुई शीट के अंदर रखकर किनारों पे पानी लगा लेना है और फिर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फिर इस तरह से उसके सारे एजेस को अच्छे से पैक कर लेना है प्रेस करते हुए। इसको पैक करना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्राई करने के टाइम पे ये खुल जाएगा। तो अच्छे से प्रेस करने के बाद इस तरह से एक कांटे से आप इसको इम्प्रेशन दे दे, तो देखिए कितना सुंदर स्क्वायर शेप में गुजिया रेडी हो गया। अब मैं आपको दूसरा शेप दिखा रही हूँ। तो एक छोटी सी लोई लेनी है और उसमें से एक पतली सी इस तरह से पूरी बना लेनी है। थोड़ा सा स्टफिंग लेके प्रेस करके उसके सेंटर में रख देना है। किनारों पे पानी लगा लेना है और इस तरह से हाथों में उठाकर सारे एजेस को पैक कर लेना है। और ये जो प्रॉपर गुजिया की शेप है वही बनेगी, मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं ना किनारों पे, ऐसी वाली गुजिया इसमें से आप रेडी कर सकते हो। तो आपको जो मेथड इजी लगे, जो शेप इजी लगे, उस तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव तो यही शेप लगता है। और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं जाता है और बहुत इजीली ये बन जाता है। तो देखिए कितना सुंदर गुजिया रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपको एक तीसरा और एकदम आसान मेथड बता देती हूँ। जिस तरह से हमने गुजिया रेडी की थी उसी तरह से रेडी कर लेना है। एजेस को अच्छे से पैक कर लेना है, फिर इस तरह से कांटे चम्मच से सारे एजेस को प्रेस कर लेना है अच्छे से, और थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे देना है। तो जो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो आटा, उसे इस तरह से कट करके निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर गुजिया इजीली रेडी हो गई है। तो आप तीनों में से जो मेथड इजी लगे उस तरीके से आप गुजिया बना सकते हो। तो मैंने सारी गुजिया रेडी कर ली है, अब इन्हें फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, और अच्छा टेम्परेचर आ गया है। तो बस अब इसी टेम्परेचर पे फ्राई करना है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी करके गुजिया ऐड कर देनी है, और अब फ्लेम को यहाँ पे मीडियम से लो के बीच में रखना है। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल्दी से लाल हो जाएंगे लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे भी वही होगा, और लो फ्लेम पे आप इनको फ्राई करेंगे तो इसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो बाहर की लेयर बनाई है वो एकदम शक्कर पारे की तरह ही बनाई है चाशनी डाल के, तो वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं लगेंगे। इसलिए मीडियम से लो के बीच में फ्लेम रखना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह पलट पलट के फ्राई कर लेना है। इन्हें फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। एक बैच के गुजिया को फ्राई होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और अब दूसरी गुजिया को ऐड कर देते हैं। इन्हें भी मीडियम से लो के बीच में ही फ्राई कर लेना है। इसकी बाहर की लेयर अच्छी बने इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि जो चाशनी यूज़ की है आटा लगाने के लिए वो पतली होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो आटा लगाया है वो रोटी के जैसा नरम होना चाहिए। और इसको फ्राई करने के टाइम पे फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में रखना है। तो देखिए ये भी जल्दी जल्दी से फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह से मैं सारी गुजिया को फ्राई कर लेती हूँ। तो है ना इनको बनाना एकदम आसान, एकदम झटपट। तो लीजिए सारी गुजिया फ्राई हो चुकी है। अब फेस्टिवल का टाइम है तो इन्हें थोड़ा सा और डेकोरेटिव करना तो बनता ही है। तो ये एकदम ऑप्शनल है, जो चाशनी बची हुई थी थोड़ी थोड़ी इस तरह से स्पून से लगा लेना है ऊपर। ये यहाँ पे मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता है, तो वो थोड़े थोड़े से मैं ऊपर से डेकोरेट कर लेती हूँ इनके ऊपर। तो देखिए सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेट करने पर इनका लुक कितना ज़्यादा चेंज हो गया, लग रहे हैं ना एकदम फेस्टिवल वाली गुजिया। और जब ये चाशनी सूख जाए और ये गुजिया ठंडी हो जाए तो आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में 12 से 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हो। ये 12 से 15 दिनों तक ऐसे ही टेस्टी बनी रहेंगी, और
ये देखिए इसकी लुकिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा सुंदर बना है और खाने में बहुत बहुत यमी लगता है। सच मानिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कैसा बना है। तो ये देखिए, मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है और इसकी बाहर की लेयर जो आप देख सकते हैं वो एकदम परतदार और खस्ता बनी है और अंदर की स्टफिंग एकदम टेस्टी है। और अंदर की स्टफिंग देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसका नाम दिल पसंद या फिर दिल खुश क्यों रखा हुआ है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।